तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात पर करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 बहुपद चैप्टर से। आज का जो ये 2.1 है, पूर्ण रूपेण आप लोग को सॉल्व करके बताएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। आज पूर्ण रूपेण ये समझना होगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए देखते हैं। पहला नंबर हिसाब में यहाँ पर दिया है, एक ही हिसाब दिया गया है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इक्वल पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप लोग को सीधी सी कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देते हैं। ये जो है ग्राफ में आप लोग को पता है y और y एक्सिस होता है, x और x एक्सिस होता है। तो यहाँ पे बात चल रहा है पी एक्स का, यहाँ पे क्या चल रहा है पी एक्स का, मतलब पी एक्स का मतलब x का मान चल रहा है, x के पी एक्स के शून्यकों को संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो ग्राफ चला ये जो है इस तरह से ग्राफ रहेगा और ये जो अक्ष को जितना बार काटेगा वो उतना शून्यक होगा, पी एक्स का शून्यक होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इस पिक्चर में कहीं भी एक्स अक्ष पे कट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्यक नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, जीरो शून्यक होगा या शून्यक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एक जगह कट है, यहाँ पे एक जगह कट है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक शून्यक होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है दो जगह कट कर रहा है, एक दो सॉरी तीन जगह कट कर रहा है ना इस लाइन पे, तो तीन शून्यक हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, यहाँ पे चौथा नंबर सवाल में दिया गया है, यहाँ पे दो जगह कट है, एक यहाँ है एक यहाँ है, एक्स एक्सिस पे जो कटेगा वही होगा, एक्स और एक्स एक्सिस पे जो कटेगा वही होगा। तो यहाँ पे कितने शून्यक हो गया, दो शून्यक हो गया, सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए जो कितना बार कट रहा है, ये एक्स पे सिर्फ कटना चाहिए। ठीक है, एक दो तीन और चार, तो यहाँ पे कितना शून्यक हो जाएगा, चार शून्यक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक दो तीन, यहाँ पे कितने शून्यक होगा, तीन शून्यक होगा, क्योंकि ये जो है तीन बार कट कर रहा है, तो यहाँ पर कितने शून्यक होगा, तीन शून्यक होगा। तो ये था आप लोग को मतलब एक्स एक्स पे कितने बार कट रहा है, बस ये समझना है, और कुछ था नहीं इस हिसाब में। तो हम लोग 2.2 में देखेंगे और आप लोग को पूर्ण रूपेण समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप लोग को पूर्ण रूपेण मैथ से रिलेटेड जो भी सवाल होगा आप हमें कमेंट करेंगे, आपका सवाल का जवाब तुरंत मिलेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।